तो चलो प्यार बच्चों इस वाले सवाल को देखो एक आ, आ, अच्छा सवाल है इसको कैलकुलेट करो अगर तुम देखोगे यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज 40 यहाँ से कॉस यहाँ से के जेड और माइनस सिक्स इंटू टेन की पावर एट टी यहाँ से आई कैप यहाँ पे दिया हुआ है तो दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अपना दिया हुआ ई जेड इन्वॉल्व वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ़ द वेव कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है वेव कांस्टेंट के क्या होता है उसकी कैलकुलेशन निकालनी है। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं ई नॉट यहाँ से कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स से ठीक है तो आप सबको पता होगा कि जो स्पीड होती है वेव की स्पीड जो वेव की स्पीड होती है वो ओमेगा अपन के होती है? ओमेगा का मतलब होता है कोफिशियन कोफिशियनट ऑफ कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशियनट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स तो ये आ ये वाला अगर आपको फार्मूला याद है अच्छा सा तो आप बहुत अच्छे से एक लाइन में स्पीड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निकाल सकते हो तो यहाँ से स्पीड भी टू ओमेगा तो कोफिशियंट ओमेगा ओमेगा कोफिशियंट टी तो कोफिशियंट टी जो यहाँ पर देखोगे तो ये है सिक्स इंटू टेन की पावर एट ठीक है ना और यहाँ से कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स के प्लेस पे यहाँ जेड है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है ये यह यहाँ पर के है ठीक है तो वैल्यू ऑफ के हमें निकालना है यहाँ पे तो तुम यहाँ से देखोगे जो ओमेगा है अब यहाँ जो है इस्पीड ये जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ई एम डब्लू है तो ई एम डब्लू की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स इंटू टेन की पावर एट डिवाइडेड बाई सी तो यहाँ सिक्स इंटू टेन की पावर एट और सी की वैल्यू थ्री इंटू टेन की पावर एट तो ये इसको कट गया और ये यहाँ से आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है